नमस्कार, मैं हंसराज सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं एमकेएन न्यूज पर। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रुख करते हैं कुछ खबरों की। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा इस वर्ष को गौ रक्षा वर्ष घोषित किया गया है। इसके तहत ही पन्ना जिले में कलेक्टर के आदेश अनुसार जनपद पंचायत पवई के द्वारा ग्राम बनोली, मुहंद्रा, कलदा, पिपरिया समेत अन्य गाँव में 2 नवम्बर को गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। इसके तहत ही शनिवार को ग्राम बनौली में विधायक प्रहलाद लोधी पवई की उपस्थिति में जिला स्तरीय गौशाला और गोवर्धन पूजा कार्यक्रम संपन्न हुआ। बता दें कि इसमें विभिन्न प्रकार के मंचीय कार्यक्रम, पंचगव्य के उत्पादों पर संगोष्ठी समेत गौ प्रेमियों का सम्मान किया गया। इसके साथ ही गौशालाओं को आस्था से जोड़ने के लिए स्थानीय आधार पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इसमें श्री कृष्ण की वेशभूषा में आए कलाकारों के द्वारा बुंदेलखंड की प्रसिद्ध राई दिवारी इत्यादि लोक नृत्यों का मनमोहक प्रदर्शन किया गया। पन्ना से अनूप शुक्ला की रिपोर्ट। भोपाल डूबशाला में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा और गौ की पूजा, गोवर्धन पर्वत की पूजा, जिससे सनातन धर्म का प्रचार भी हो रहा है, सनातन धर्म की रक्षा भी हो रही है। और एक इतना अच्छा ये माहौल का एक कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश में, जिससे गौ माताओं की भी आज गौ माताओं को भी जो सम्मान नहीं मिल रहा था वो आज इस माध्यम से सम्मान मिल रहा है। मैं ऐसे अपने देश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को आभार प्रकट करता हूँ इस बनौली गौशाला से, भोपाल गौशाला से और सभी क्षेत्रवासियों की ओर से कि जिन्होंने ये कार्यक्रम चलाया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया है, इससे पूरे क्षेत्र में एक खुशी का माहौल, जश्न का माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ है और इससे गौओं की भी रक्षा भी होगी और पुनः जो लोग इससे दूर हो रहे थे गौ पालन करने से, इससे गौ पालन भी करेंगे आगे चल के और गौ वंश की रक्षा होगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ